नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरी फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 40। इनकी तकलीफ क्या है? इनकी तकलीफ है कि बीच बीच में इनकी जॉब चली जाती है। 2012 में इनका कुछ जॉब चली गई, उसके बाद कुछ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज हुई, उन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया था, वो पैसे डूब गए। करीब करीब एक डेढ़ साल पहले फिर से इनका जॉब चला गया। तो ये सब कुछ क्यों हो रही है इनके साथ, आने वाले टाइम कैसे रहेगी, ये सब कुछ हम लोग एनालिसिस करेंगे और पहले ढूंढने की कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। तो वो सब कुछ जाने से पहले हम लोग थोड़ा ओवरऑल पाम से इनके जो क्वालिटीज़ है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पाम की अगर हम लोग शेप की बात करेंगे तो ये जो शेप है ये मिक्स शेप है, इसे आप स्क्वायर भी कह सकते हैं, इसे आप रेक्टेंगुलर शेप में भी कह सकते हैं। और पाम जो है साइज़ में काफ़ी बड़ी है। तो ये जो दो खासियत आ रही है इस पाम में, ये इस इंसान को इस तरीके का बनाएगा जहाँ पे इनको हर तरीके का मेहनत करना पड़ेगा, मेंटल मेहनत भी करना पड़ेगा, फिज़िकल मेहनत भी करना पड़ेगा। और मेहनत करने में ये काबिल भी है, क्योंकि पाम की जो साइज़ है और पाम में मांस भी बड़ी हुई है, साइज़ भी बड़ी है, तो जिनके कारण क्या होगी, ये मेहनत भी खूब कर पाएंगे और ज़िंदगी में मेहनत के द्वारा ही इनको सक्सेस भी आगे मिलता रहेगा। थम की अगर बात करेंगे तो पाम की शेप के हिसाब से ये थम थोड़ी छोटी है। तो क्या होगी, जब आपकी थम छोटी हो जाती है ना, तो लीडरशिप क्वालिटी में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। लीडरशिप क्वालिटी में दिक्कत आना मतलब कि आपकी बात लोग मानते नहीं हैं। हाँ, अगर आप बहुत पावरफुल है, आपके पास बहुत ताकत है तो लोग मानेगा, क्योंकि उसे मानना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई इच्छा से, अपनी इच्छा से मानने को बोलिएगा तो नहीं मानेगा, जब आपकी जो थम है वो छोटी हो जाए। तो इनके साथ भी इस तरीके का कोई प्रॉब्लम रहेगा कि इनकी लीडरशिप को बहुत ज़्यादा लोग मानते नहीं हैं, मानना चाहता भी नहीं है। तो इसके लिए मैं एक रेमेडी दूंगा इनको, और इनको करना पड़ेगा थोड़ी, जो इनकी लीडरशिप क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी। और लोगों को इन्फ्लुएंस करने की जो भी क्वालिटी होती है ना, अपनी बातों से, अपनी कामों से, वो भी नहीं हो पाती है जब थम कमज़ोर हो। बीच में जॉब की फॉर्मेशन है लेकिन कटा हुआ है, तो जब इस तरीके का जॉब की फॉर्मेशन दिखे ना कटा हुआ, तो समझ लीजिएगा पैसे सेव करने में मुश्किल आ जाती है। सेव तो होती है लेकिन बाद में चल के वो निकल जाती है, क्योंकि जॉब की फॉर्मेशन है तो सेव करेगा, और ये कटा हुआ है इसके लिए क्या होगी, सेव करने के बाद वो पैसे जो है निकल जाएगा, रुकेगा नहीं। ये एक डिफ़िकल्टीज और दिखाती है। व्हील और लॉजिक पार्ट दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है। पाम की शेप की तरह ही थम भी ये कह रही कि इनको दोनों ही तरीके का काम काज, बैठे बैठे हो या फिर फिज़िकल लेबर दे के हो, एग्जीक्यूशन के काम, प्लानिंग के काम, हर तरीके का काम इनको खुद ही करना पड़ेगा। इंडेक्स फिंगर जो है क्रॉक है, तो जिनके कारण क्या होती है कि इनमें लीडरशिप क्वालिटी थोड़ी रहती है लेकिन थम कमज़ोर है, तो उतनी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी आपको लीडरशिप देने को बोला जाए तो ये ख्याल रखिएगा कि आपके अंडर जो लोग रहेंगे उनकी संख्या कम होनी चाहिए, जो लोग हैं वो कम होनी चाहिए। दो या चार लोग होंगे तो आप मैनेज कर पाएंगे, कि लेकिन उससे अधिक अगर हो गया तो वहाँ पर आपको डिफ़िकल्टीज़ आ जाएगी मैनेज करने में। सन की जो फिंगर है वो ज़्यादा एक्सेप्शनली लंबी है, तो जब इस तरीके का लंबी सन की फिंगर हो जाए इंडेक्स फिंगर के कंपैरिजन में, तो ऐसे लोग फाइनेंशियल रिस्क लेते हैं। किस्मत अच्छी हो तो वहाँ पे अच्छी रिटर्न मिल जाती है, किस्मत ख़राब हो तो जो रिस्क है उसमें नुकसान हो जाती है। तो ये जो इंसान है ये फाइनेंशियल रिस्क लेगा ज़िंदगी में, हमेशा फाइनेंशियल कैरियर ये सब में रिस्क लेता रहता है। छोटी फिंगर काफ़ी लंबी है, सन के थर्ड बैलेंस तक ईजिली पहुँच रही है, कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं देखने को मिल रही है। अभी हम लोग थोड़ी माउंट की बात करते हैं, दूसरी पिक्चर में चलेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो मर्करी माउंट की यहाँ पे देखिए थोड़ी दबी हुई है, ये मर्करी माउंट को कमज़ोर करती है। तो बिज़नेस करने में दिक्कत आ जाती है, बिज़नेस की सेंस कम रहती है, किसी भी चीज़ की एनालिसिस करने में उतनी ज़्यादा सक्षम नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ रहती है। मर्करी की लाइन है काफ़ी अच्छी है, जिनके कारण ये जो प्रॉब्लम है थोड़ी कम होगी, लेकिन फिर भी बिज़नेस आपके लिए होगा नहीं, बिज़नेस आपके लिए नहीं होगा, आपके लिए जॉब ही जो है, करियर है, वही ठीक रहेगा। सन की माउंट की बात करेंगे, ठीक ठाक है, उभरा हुआ हमें देखने को मिल रही है। सन की जो लाइन है वो काफ़ी लंबी भी है, तो ऐसे लोगों को जनरली क्या होती है, 35 के बाद अच्छी सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है करियर में, जिन लोगों के माइन लाइन तक आती है। यहाँ पर देखेंगे तो ट्राइडेंट जैसी फॉर्मेशन बन रही है, तो इस तरीके का अगर फॉर्मेशन बने, ट्राइडेंट की फॉर्मेशन बने इस तरीके का, दिखे सन माउंट में हो या सैटर्न माउंट में हो, तो ऐसे लोगों को मल्टीपल प्रोफेशन रखना चाहिए। एक मेन प्रोफेशन होनी चाहिए और साथ में एक दो जो है हॉबी की तरह रहनी चाहिए, ताकि वहाँ से कुछ इनकम आता रहे।
तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। हमेशा जो है मल्टीपल प्रोफेशन ज़रूर रखिएगा। यहाँ पे देखेंगे लॉजिक जो एक्सपीरियंस लाइन है वो भी ग्रो हो रही है, तो इनके खुद के जो एक्सपीरियंस है काम के प्रति वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और वही एक्सपीरियंस के द्वारा ही ज़िंदगी में आगे चल के भी इनको सक्सेस मिल पाएगी। सटन माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है, दो खड़ी लाइन देखने को मिल रही है। धन रेखा है तो धन की कमी नहीं रहेगी, ज़रूरत पड़ने में धन आपके पास रहेगा ज़रूर। जुपिटर माउंट और बाकी सारे माउंट हम लोग दूसरी पिक्चर में जाएंगे। जुपिटर माउंट को देखेंगे तो माउंट की जो फैलाव है वो काफ़ी अच्छी है, उभरा हुआ भी अच्छी है, तो आगे चल के सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, क्योंकि जो फेथ लाइन की एंडिंग पॉइंट है ना वो भी इसका एक पार्ट जो है फेथ लाइन का वो जुपिटर की तरफ जा रही है, जो दिखा रही है कि कैरियर में आपको अल्टीमेटली सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिल जाएगी। आप जहाँ पे पहुँचना चाहते हैं, जैसे इनकम करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। बहुत बड़ी कोई हमें सनमनरिंग या ऐसा कोई प्रोमिनेंट लाइन देखने को नहीं मिल रही है, तो लेकिन काफ़ी हल्की है जो रिजल्ट नहीं देगी, तो इनके कारण क्या होगी, आपको थोड़ी ज़्यादा निष्ठा रखनी पड़ेगी अपने काम के प्रति। जितनी भी मेहनत करते हैं, जितनी भी निष्ठा रखते हैं, उससे ज़्यादा आपको देनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको जो है काम में अच्छी सक्सेस मिल पाएगी। मंगल माउंट को देखेंगे, एग्रेसिव मार्स ठीक है, लेकिन डिफेंसिव मार्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये क्रॉस साइन है, एकदम स्ट्रॉन्ग क्रॉस साइन है और काफ़ी प्रोमिनेंट है। तो जब भी इस तरीके का डिफेंसिव मार्स में अगर क्रॉस हो तो क्या होती है, डिफेंस पावर जो है आपकी कम हो जाती है। कोई भी आपके ऊपर कुछ भी ब्लेम कर देगा आप कुछ नहीं बोल पाएंगे, कोई भी आपका कुछ नुकसान कर देगा आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, ऐसे लोगों की जो डिफेंस पावर है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। कोई भी किसी भी तरीके का शत्रु, अगर किसी भी तरीके का शत्रु, मतलब शत्रु मतलब हमेशा ऐसा ही नहीं कि कोई लोग आपके ऊपर मारने आए या इस तरीके का, जॉब में भी हो सकती है कि कोई आपका जो शत्रु ताकड़े पीछे से आप समझ नहीं पा रहे, तो इस तरीके का जो शत्रु का जो ये है ऐसे लोगों में ज़्यादा रहती है, कि शत्रु का प्रभाव जो है ऐसे लोगों में ज़्यादा रहती है जिन लोगों के यहाँ पे डिफेंस मार्क्स में कम क्रॉस साइन दिखे, क्योंकि आपके शत्रु का या आपके ओपोनेंट का पता चल जाती है कि आप जो है आपकी जो डिफेंस पावर है वो कमज़ोर है। आपको अगर वो चोट करेगा तो उसकी वापस आप जो चोट है वो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, तो जिनके कारण ये तकलीफ़ होती है रेमेडी बता दूंगा उसको करिएगा। एग्रेसिव मार्स ठीक ठाक है, तो यहीं पे हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। एग्रेसिव मार्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ राहु लाइन्स है। तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे अगर एग्रेसिव मार्स को अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर साइन भी बन रही है, तो कुछ एग्रेसिव मार्क्स का अगर कुछ नेगेटिव मार्किंग भी होगी तो भी वो कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगी आपकी फील्ड में। आपको फील्ड में थोड़ा काम करना चाहिए, मतलब ऐसे काम चूज़ करना चाहिए जहाँ पे आपको फील्ड वर्क की ज़्यादा ज़रूरत पड़े, फील्ड वर्क की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो मंगल माउंट है स्ट्रॉन्ग है, तो इस तरीके का काम अगर आप चूज़ करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ऐसे जहाँ पे भी आप जॉब ढूंढेंगे, अगर वो जॉब ट्रांसपोर्टेशन कंपनी हो, रियल एस्टेट कंपनी हो, या किसी भी तरीके का एग्रीकल्चरल कंपनी हो, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा जहाँ पे आप अच्छी तरीके से जॉब कर पाएंगे। वीनस माउंट और चंद्रमा माउंट काफ़ी बड़ी और स्ट्रॉन्ग है। यहाँ के पार्ट अगर हम लोग देखें और यहाँ का पार्ट अगर हम लोग देखेंगे तो नीचे की तरफ जो है ज़्यादा जगह मिल रही है। जब इस तरीके का डिफरेंस बने, नीचे की तरफ नीचे का जो अंश है वो आपको ज़्यादा चौड़ा दिखे, तो समझ लीजिएगा ये इंसान की जो सक्सेस है वो मेहनत से ही होगी, बहुत ज़्यादा फिजिकल मेहनत से ही हो पाएगी। तो जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे आप, ऑफिस इस तरीके का जॉब ढूंढेंगे जहाँ पे ऑफिस में नहीं आपको बाहर घूमना पड़े, वहाँ पे आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, इस बात का ध्यान में रखिएगा। तो आगे चल के जब भी आप जॉब ढूंढेंगे तो आपकी जॉब इस तरीके का होनी चाहिए जहाँ पे आप आउटसाइड जो है ज़्यादा ड्यूटी कर पाए। चंद्रमा माउंट क्लियर है, अच्छी है, आपकी इमेजिनेशन पावर, इंट्यूशन पावर काफ़ी हाई रहेगी। और अगर हम लोग मेन लाइन की बात करेंगे तो तीनों के तीनों मेन लाइन की फॉर्मेशन अच्छी है। यहाँ पे देखिए एक धागे जैसी लाइन जा रही है, यहाँ पे कोई मेजर प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो जब भी जिन लोगों की भी मेन लाइन अच्छी होती है ऐसे लोगों का अल्टीमेटली सक्सेस मिल ही जाती है। मेन लाइन अच्छी होना, उसमें कोई डैमेज, डिस्टर्बेंस, चेन फॉर्मेशन, ब्रोकन जॉब साइन या बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट कट मार्क ना हो, तो ऐसे लाइन अच्छी लाइन मानी जाती है। ऐसे लाइन में क्या होती है कि अच्छी सक्सेस मिल जाती है जब भी आपका फेथ लाइन या बाकी लाइन साथ देना शुरू कर देगी। माइंड लाइन आएंगे तो माइंड लाइन से हमें इनके जो मेन प्रॉब्लम है उसके बारे में हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों की पता चलेगा। तो माइंड लाइन की एनालिसिस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान से समझने की ज़रूरत पड़ेगी। माइंड लाइन की अगर हम लोग लेंथ को देखेंगे तो माइंड लाइन की जो लेंथ है वो हमें
छोटी से लेके मीडियम तक देखने को मिल रही है, मतलब बिल्कुल भी छोटी नहीं है और मीडियम लेंथ से भी थोड़ी कमज़ोर है, मीडियम आना चाहिए यहाँ तक, नहीं आ रही है। तो जब ये इस तरीके का छोटी की तरफ माइन लाइन दिखे कि माइन लाइन थोड़ा छोटा हो, तो ऐसे लोगों को जो मेन दिक्कत होती है ये आपके साथ हमेशा रहेगा कि आप एक जगह पे लंबे समय तक नौकरी नहीं करेंगे, आपको बीच बीच में छोड़ना ही पड़ेगा। जो आपकी जॉब गई है वो इसी कारण से गया है, शायद आपने राइट टाइम में जॉब नहीं छोड़ा। 2012 में इनके एक साल के लिए जॉब चली गई थी, अभी 2021 ही होगा क्योंकि एक डेढ़ साल पहले अगर इनका जॉब गया है तो इधर 20 में गया होगा या 21 में गया होगा। तो वहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आपको जॉब मिनिमम 4 साल अगर कहीं पे हो जाए, 3-4 साल हो जाए, तो दूसरी जगह पे जॉब ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी और जॉब आपको दूसरी जॉब ढूंढनी भी पड़ेगी और वो ही करनी पड़ेगी, मतलब नया जॉब में जाना ही पड़ेगा। एक ही जगह पे लंबे समय तक रहेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है आपके साथ ज़िंदगी भर तक आता रहेगा, चाहे आपकी फेथ लाइन कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी बढ़िया हो, कितनी भी लकी साइन आपके पाम में दिखे। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि अगर आपका जॉब ट्रांसफरेबल हो, एक शहर से दूसरे शहर आप घूम रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक ही जगह पे अगर आप एक ही ऑफिस में, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, एक ही जगह पे रह के, तो आपको जॉब ज़रूर चेंज करनी पड़ेगी हर 3-4 साल के अंदर। नहीं करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है आपका जॉब जाने का, ये आपको इस तरीके का सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। आपकी लाइन में कोई भी प्रॉब्लम डिस्टर्बेंस फेथ लाइन में बहुत ज़्यादा है नहीं, फिर भी आपकी जॉब की गई। ऐसे तो नहीं होता है ना कि अगर प्रॉब्लम ना हो तो अचानक ऐसे आप ज़िंदगी में हो जाती है, अनहोनी नहीं होती है। जब माइंड लाइन ये इशारा दे रही है कि आपकी छोटी माइंड लाइन है तो आपको जॉब ज़रूर चेंज करनी होगी, तो 3-4 साल कहीं पे मैक्सिमम आप जॉब करेंगे, उसके बाद आप जॉब चेंज करेंगे और ये आपकी करियर के लिए अच्छा भी होगा। नया जो जॉब आपको मिलेगा वो बेहतर रहेगा आपकी करियर के लिए, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। लाइफ लाइन की बात करेंगे, ओ और एक चीज़, छोटी माइंड लाइन, तो मैं इनको बिज़नेस की आइडिया क्यों नहीं दे रहा हूँ कि जॉब नहीं बिज़नेस करिए, ये मर्करी माउंट के कारण, क्योंकि मर्करी माउंट में यहाँ पे कमज़ोरी है। इवन मर्करी की लाइन है लेकिन फिर भी ये जो माउंट है ये कमज़ोर है, जिनके कारण मैं इनको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप बिज़नेस करें, तो आपको जॉब ही करनी चाहिए। हाँ, कोई अगर और दूसरी कोई चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो और उसको आप प्रोफेशन में बदल सकते हैं तो उसको भी साथ में कर सकते हैं, लेकिन बिज़नेस नहीं, जॉब ही आपको करना पड़ेगा और 3-4 साल के अंदर आपको जो है जॉब चेंज करता रहना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जॉब चली जाएगी। लाइफ लाइन की बात करते हैं, लाइफ लाइन जो है जगह अच्छी ले रही है, चंद्रमा माउंट की तरफ जा रही है। फेथ लाइन जो है चंद्रमा माउंट से शुरू हो रही है, अपनी जन्म स्थान से थोड़ी दूर जॉब की कोशिश करिए। जहाँ पे आप हैं अभी, अगर वहाँ पे 10 साल से ज़्यादा अधिक रह रहे हैं, चाहे वो आपका जन्म स्थान हो या ना हो, तो कोई दूसरी शहर में या दूसरी स्टेट में जॉब ढूंढने की कोशिश करिए, वो जॉब आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि लाइफ लाइन और चंद्रमा माउंट दोनों से ही हमें थोड़ी दूर जाने की इंडिकेशन दिखा रही है कि सक्सेस थोड़ी दूर मिलेगी। हाँ, यहाँ से कोई इंडिकेशन नहीं है कि इस तरीके का कोई लाइन नहीं जा रही, इसलिए मैं फॉरेन की बात नहीं करूँगा, लेकिन अपनी जन्म स्थान से दूर कोई शहर या दूर कोई राज्य ज़रूर कोशिश करिएगा, अगर वहाँ पर जॉब मिलती है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक चीज़ हो सकती है कि आप मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब ढूंढें, मल्टीनेशनल कंपनी में भी अगर जॉब मिलती है तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो दो चीज़ें, आपका इधर दूसरी स्टेट में या दूसरी सिटी में जॉब ढूंढना या मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब ढूंढना आपके लिए बेहतर रहेगा। लाइफ लाइन से जगह अच्छी मिल रही है, आपके साथ पास जो है एनर्जी काफ़ी हाई रहेगी, आपकी इम्यून पावर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, जो आपके लिए जो एनर्जेटिक काम आप करेंगे, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ेगी, इस तरीके का काम आपको चूज़ भी करना पड़ेगा, तो वो काम में ये जो एनर्जी है ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। लाइफ लाइन में देखेंगे तो कुछ असेंडिंग लाइंस भी है, तो थोड़ा देख लेते हैं कि उसकी एज क्या क्या निकलती है। तो ये सारे जो असेंडिंग लाइन है आपकी लाइफ लाइन से जो निकल रही है, तो एक तो निकल चुका था करीब करीब आपकी 35 के करीब एक निकल चुका था, दूसरी आ रही है करीब करीब ये वाली जो होगी आपकी 36-37 होगा मैक्सिमम यहाँ पर। और एक जो है अगर हम लोग देखें इसको थोड़ा 42 के करीब, नहीं ये जो ये लाइन जो है ये आपका करीब करीब 35-36 के करीब थी, ये करीब करीब आपकी प्रेजेंट एज के करीब ही है, जो 40-41 के करीब हमें देखने को मिल रही है ये वाली लाइन। तो इस लाइन की आप ये रखिए कि आपको एक मौका ज़रूर अभी
हाल ही के टाइम में ज़रूर मिल जाएगी। हो सकती है कि एक महीने के अंदर मिल जाए, हो सकती है कि छः महीना मिल जाए, थोड़ी और भी देर हो सकती है क्योंकि एग्जैक्ट टाइम बताना मुश्किल होती है। लेकिन इसी एज के करीब 41, 40 हाफ इसी एज के करीब हमें ये लाइन बनता हुआ देखने को मिल रही है और ये लाइन में कोई डिस्टर्बेंस या प्रॉब्लम है नहीं, तो ये जो लाइन है ये आपको काफ़ी अच्छी रिजल्ट दे पाएगी। नई जॉब ढूंढने की कोशिश करिए तो नई जॉब आपको ज़रूर मिल पाएगी। एक और एक लाइन है करीब करीब 50 के करीब जहाँ पे आपको एक अच्छी और बड़ी सक्सेस मिल जाएगी ज़िंदगी में, अच्छी सक्सेस आप अचीव करेंगे उस टाइम में। नया जॉब ढूंढिएगा, पुराने जॉब में मत रहिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। उस एज के करीब भी एक नया जॉब ढूंढिएगा ज़रूर। अभी बात करते हैं इनके फेथ लाइन की, समझ में आएगा कि ये फेथ लाइन जो है इसकी फॉर्मेशन की अगर बात करेंगे तो ये फॉर्मेशन सीधी नहीं है, इस तरीके से सीधी नहीं जा रही है, ये थोड़ी ओएप फॉर्मेशन में इस तरीके से जा रही है। मैं पहले भी बता चुका हूँ अगर फेथ लाइन आपका इस तरीके से जाए तो रिजल्ट भी धीरे धीरे मिलता रहेगा। जब तक के ना आपका फेथ लाइन सीधा हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो जो हमें देखने को मिल रही है 35 तक आपकी कैरियर में थोड़ी जो है कमज़ोरी थी, 35 के बाद से जो है आपकी कैरियर अच्छी खासी चलना शुरू हो गई। अभी और थोड़ा एज कैलकुलेशन करेंगे तो करेंट एज 41-40 के करीब अगर हम लोग देखें तो फेथ लाइन के करीब यहाँ पे कट है, यहाँ पे और एक कट था, यहाँ पे एक राहु लाइन आ रही थी, कटा नहीं, शायद दूसरी पिक्चर में चलते देखते हैं क्लियरली। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो नहीं, वो जो राहु लाइन है वो कटा नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन थी जहाँ पे मुझे जो लग रही है कि इनके जो इन्वेस्टमेंट थी वहाँ पे उन्होंने की थी, जहाँ पे इनको कुछ नुकसान हुआ था। उसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक करंट एज के करीब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कट है जिनके कारण आपके प्रेजेंट टाइम में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस रहेगी, है भी अभी आपकी प्रेजेंट, क्योंकि उन्होंने जो भी कुछ जमा किया था वो इनके पैसे डूब गए, उसके प्लस कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया था वो भी उनका डूब गया, तो यहाँ पे ये डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है। अभी अगर हम लोग देखें इस पार्ट में फेथ लाइन में मेजर कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, यहाँ पे एक हल्की सी कट है 47 के करीब, वहाँ पे कुछ एसेट खरीद लीजिएगा तो आपका वो नेगेटिव नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये जो लाइन देखने को मिल रही है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे मुझे और कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे थोड़ी डार्कनेस हमें देखने को मिल रही है पिक्चर में, तो जिनके कारण क्या होगी आपको जॉब तो मिल जाएगी लेकिन बहुत बेहतर नहीं मिल पाएगी, काम चलाओ की तरह या फिर ठीक ठाक जैसे आपको पहले सैलरी मिलती थी उसी तरीके का कुछ आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा नहीं वहाँ पे। आगे देखेंगे तो फेथ लाइन इसी तरीके से चल रही है, मेजर कोई चेंजेस कुछ है नहीं। 52 के बाद एक फिश की फॉर्मेशन बन रही है जहाँ पे उस एज के आने के बाद आपको अच्छी सक्सेस मिल जाएगी, तो वहाँ तक अगर देखें तो यहाँ पे सनलाइन का भी साथ मिलेगा आपको इस एज के करीब से, यहाँ से सनलाइन आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो ये दिखाती है कि ठीक ठाक आपका चल पाएगा, अच्छे खासे आप इनकम कर पाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई इस एज के करीब यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करें तो यहाँ पे हल्की सी वेब की जैसी फॉर्मेशन भी देखने को मिल रही है इस पार्ट में, तो ये दिखाती है कि बहुत बढ़िया हाइक नहीं मिल पाएगी। लेकिन हाँ, आपको जॉब ज़रूर मिल जाएगी, जॉब मिलने के लिए बहुत ज़्यादा सोचिए मत, जॉब आपको ज़रूर मिल जाएगा। ओवरऑल अगर हम लोग पाम को देखें और समझे कि इनके फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, तो अपर अमाउंट की जगह ठीक ठाक मिल रही है लेकिन मार्केट अमाउंट थोड़ी कमज़ोर है, ठीक है ना। तो हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी आप इन्जॉय कर पाएंगे। आप कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, रिस्की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपकी सन की फिंगर ज़्यादा लंबी है तो आप कुछ गलती हो जाएगी और वहाँ पे कुछ फेथ लाइन में कुछ हल्की सी भी कट वगैरह आ जाएगी तो आपका जो है नुकसान हो सकता है। दूसरी बात जो आपको देखना चाहिए कि आपको जो भी जॉब मिले वहाँ पे आपको आउटसाइड ड्यूटी करना ज़्यादा पड़े, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। मार्केट जो मंगल की जो है मैं रेमेडी दूंगा, उसको आपको ज़रूर करना चाहिए, और साथ में और एक रेमेडी दूंगा जिससे आपकी जॉब मिलने के जो चांसेस है काफ़ी हायर हो जाएगी। तो इसी अच्छी मिडिल हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी आप एंजॉय कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा फिक्स्ड एसेट होने का भी कोई संकेत हमें नहीं देखने को मिल रही है क्लियर, क्योंकि बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग कोई ट्रायंगल की साइन की फॉर्मेशन नहीं है, छोटी छोटी ट्रायंगल लाइफ लाइन में यहाँ पे कुछ बन रही है लेकिन बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। मेनली हम लोग यहाँ से ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हमें देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, रिलेशनशिप में कोई तनाव वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, रिलेशनशिप आपका अच्छा रहेगा, कोई मेजर डिस्टर्बेंस या क्रिए ऐसा कुछ है नहीं।
तो इसी के साथ साथ इस एनालिसिस कहीं पे रखेंगे, एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए, शुक्रिया आप लोगों का।